पर्सनल एंड कम्युनिटी। दिस इज योर फ्रेंड बोनी। एंड जैसे कि हमें सुनने में आया कि जेएमसी एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट है, वो स्टार्ट करने जा रही है, और इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस टीना महाजन, जो कि जेएमसी के सेक्रेटरी हैं। सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू टू आवर चैनल। सो मैम, जम्मू की आवाम, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये जो प्रोजेक्ट है क्या है। इसका जो है, दिस इज इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमने अभी जोन 3, दैट इज द एरिया ऑफ द ब्रिज अहेड फ्रॉम द ब्रिज इंक्लूडिंग गांधीनगर, पंचमाजू, वो सारा जो बेल्ट है हमारी, पुलपा जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ पे, बेसिकली जो भी भाषा में जो है पुलपा का एरिया जो है, उसको हमने लाइक स्टार्ट के लिए वो प्रोजेक्ट वहाँ से हमने किया है। इसमें जो हमारा बेसिक है, हमारा PPE मॉडल पर है, जो इनकी जो साइट होगी वो बंदूरख में कंस्ट्रक्शन होगी, जहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इसे अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है वो 34 करोड़ है, जो हमने जो टेंडर दिया है, जिसको अलॉट हुआ है वो वहाँ उसके हिसाब से। उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी बिन्स की होगी, जो हर एक हाउस होल्ड लेवल पर होंगी, डोर टू डोर कलेक्शन इन द सेग्रीगेटेड मैनर, कि जो वेस्ट है हर एक हाउस होल्ड लेवल से ये जो प्लेयर है जिसे हमें टेंडर मिला है वही मिलेगा, वही उस करेगा सारा का सारा। ये बिड अभी हमें इसकी बिड जब भी बिड क्वेरीज हमारी बिड हुई थी, अभी ये टेंडर टू बी ओपन इन द शॉर्टली इन दिस मंथ ओनली। सो फोर होम होप करें कि अच्छे से इसमें बिडर्स वगैरह जो होंगे, उसके बाद हमारी सिटी के लिए एक इनिशिएटिव है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आज तक हमारे शहर में कुछ हुआ नहीं, जो कि हर जगह पर इट्स ऑलमोस्ट 10 ईयर बैक कि ये होना चाहिए था, पर हमारे यहाँ पर नहीं होना। बेसिक हमारा मोटिव यही है, क्लीनलीनेस, जो हमारे ओपन डंप साइट्स हम देखते हैं, जैसे आपको देखेंगे कहीं भी कूड़ा पड़ा है कुछ भी है, वो सब चीज़ें जो हम इसमें से ख़त्म करने के लिए, सेकेंडरी ओपन पॉइंट्स जितने डंपिंग पॉइंट्स हैं वो सब ख़त्म करें। हमारा जो रिजेक्ट्स है हमारा, हम जो हमारा वो प्रोसेस हो सके, रिसाइकल हो सके, जो हमारा ड्राई वेस्ट है, वेट वेस्ट हमारा होता है, उसको रिसाइकल करने के लिए, ताकि हमारी जो एनवायरनमेंट है हम उसकी बेनिफिट के लिए भी कुछ कर सकें। वेस्ट है हमारे पास बहुत कम, हम करते हैं पोर्टेबल वाले, बट अब ये है कि उसको प्रोसेस भी आगे करना है। वी आर नॉट प्रोसेसिंग एट एनी लेवल राइट नाउ, जो हमारा प्रोसेसिंग है उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है बेसिक उसका मैंडेट। मैम, जम्मू की आवाम को इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है? फर्स्ट ऑफ द बेनिफिट इज द क्लीनिंगनेस, ठीक है, जैसे कि हाइजीन मेंटेन करना, ऊपर से इट इज़, जैसे आप कहते हैं कि हाँ जी, जो गार्बेज है हमारा, प्लास्टिक्स है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इसके लिए इट इज़ हजारियस, उनको रिसाइकल करना है। हमें अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं, जैसे हम प्लास्टिक है, जैसे हमारा प्लास्टिक आता है उसको हम रिसाइकल होता है, हमारा वहाँ ऑलरेडी यूनिट है, हमारे बंदूरख में ही है वो भी, हम उसको रिसाइकल करते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप बोलोगे, यहाँ पर हमारे पास जो कबाड़ी वाले हैं वो हमसे लेते हैं प्लास्टिक, पर उसी को बेच देते हैं और दोबारा वही पॉलीथीन बनता है, उसी की बॉटल्स बनते हैं, पर हम जो प्लास्टिक ये लेंगे जेएमसी के, जो हम करते हैं इसको, उसको हम रिसाइकल्स के लिए, रिसाइकलिंग के लिए भी देते हैं। जैसे रोड्स बना रहे हैं, टाइल्स बनती हैं, वो प्लास्टिक के लिए नई नई इनोवेटिव पाइप्स आ रही हैं, जो मतलब ड्यूरेबिलिटी, ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक से सब बन जाता है। तो प्लास्टिक जो है, जो हमें पता डिग्रेड नहीं होता था, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसको यूज़ करने के लिए कैसे हम कर सकते हैं, ये वन ऑफ रिसोर्स इनको बनाना है, जो हमारा बेस है, दैट इज़ द इक्वलेंट टू इनकम, उस पे हम इस तक करें, क्योंकि उससे सिटीजन एट द एंड जो बेनिफिशियरी है वो सिटीजन है। हम तो सिर्फ मीडियम है कि हम कैसे हम तक सर्विसेज दे सकें, पर एट द एंड जो बेनिफिट होगा वो तो सिटीजन को ही है, तो ऑब्वियसली इट इज़ इन द बेनिफिट ऑफ देम। सो मैम, इसका इफेक्ट हमारे जो भाई बहन सफाई कर्मचारी हैं उनके उनपे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस प्रोजेक्ट का? नहीं, उस उन पर इफेक्ट तो ऐसा नहीं है। अब जो भी यहाँ पर करेगा, जो भी प्लेयर आएगा, ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज को यहीं से यूज़ करेगा। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ जी वो रिसोर्सेज अपने स्टेट से लाएगा, रिसोर्सेज यहीं के ही यूज़ होंगे, सब कुछ मैन पावर भी यहीं की होगी, जो सारा का सारा होगा एंटरप्रेन्योर जो भी होगा जॉब उन्हीं को दी जाएगी। पर यह कि फैसिलिटीज और अच्छी हो सकती हैं, जैसे कि सर्विसेज ज़्यादा अच्छी सी दी जाएंगी, इसको बेनिफिट जरूर। सो लाइक अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट एक न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकती है? यस, डेफिनेटली हो सकती है। हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में, कि हम कितने फंड्स कितने हम रिक्रूट कर सकें, पर जब हमने ओपन मार्केट में हम कह रहे हैं उन्हें हमें सर्विसेज देनी, उस सर्विस के लिए उनको बेस्ट पॉसिबल, अगर 10 की जगह उनको 20 भी लगाने पड़ेंगे, दे विल डू, क्योंकि विल देर आस्क फॉर द सर्विसेज फ्रॉम दैट कंपनी की आपको हमने सर्विसेज आप हमें नहीं मिली, हमें क्वालिटी पर हम नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बट देर आर ऑलवेज द रिस्ट्रिक्शंस कि हम जिस एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, गवर्नमेंट में, वहाँ पर रिसोर्सेज का, वहाँ पर पोस्टिंग्स की लिमिटेशन होती है, वैकेंसीज रिक्रूटमेंट की, हम इतने ज़्यादा हायर नहीं कर सकते, हर जगह ये बेंचमार्क्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं कि उसमें
में थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है, हमें मतलब मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम हमें करना पड़ता है। समय मंथ में आप हमारे जम्मू की आवाम को, हमारे जो सफाई भाई बहन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि लाइक जैसे हम आप लोगों की सहयोग के लिए हमें चाहिए, सिटीजन की कोऑपरेशन हमें चाहिए, ताकि हम जो भी कुछ करें उसका इफेक्ट तभी मिलेगा जब आप कोऑपरेट करेंगे। हम अकेले लड़ते भी रहें उससे कुछ नहीं होगा जब तक आप अपनी ड्यूटीज ना समझें। हम अवेयर कर रहे हैं, आपको एजुकेट होना है, हम अगर सेग्रीगेट करने के लिए कह रहे हैं आपको करना है। अब आपको दो डस्टबिन अपने घर में रखने हैं, आप सेग्रीगेट करेंगे तो हम उठाएंगे। स्टार्ट आपसे ही होगा, जब तक आप एट सोर्स लेवल कुछ नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा पाएंगे। हम आगे को नहीं, अपने जो प्रोजेक्ट हम जो सोच रहे हैं, जो सोचा हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अब लोगों को, जैसे आप लोगों को पता है इसमें सर्वेक्षण का है, 2021 सर्वेक्षण, तो मेरी लोगों से बस यही है कि हम कोशिश करें कि जम्मू शहर की रैंकिंग को इम्प्रूव करने की। उसमें सिटीजन फीडबैक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब उसमें मार्क्स होते हैं, सब कुछ होता है, क्लीनलीनेस, बाकी सब ऑन ग्राउंड हम कर रहे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि सिटीजन जो फीडबैक दे वो भी दे। हम एक ऐप है स्वच्छता ऐप, वो प्लीज़ आप लोग डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें। कोई भी आपका ग्रीवेंस है, कोई भी आपका इशू है क्लीननेस को लेके, या कोई भी हम जो जेएमसी को आपको लगता है कि वो नहीं कैटर कर रही है, आप अपनी कंप्लेन उसमें डालें, हम उसको एड्रेस करेंगे। उससे आपका भी एक तो फीडबैक हमें मिलेगा, ऊपर से ग्रीवेंस भी आपका एड्रेस हो जाएगा, एंड वी ऑल्सो नो कि वेयर वी स्टैंड। तो आपका फीडबैक उतना ही इम्पॉर्टेंट है, आपका कोऑपरेशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम बेस्ट कर सकें। So ma'am, thank you for your time, and also as we know the solid waste management project, that is very good and it is very essential and very very important for our Jammu Kashmir people. So and with that also with the project, the new employment generation is also will happen in upcoming days also. So isi ke saath main Boni aapse vida leta hu. Thank you.